नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा बेबी कैप लाई हूँ। ये कैप न्यू बॉर्न बेबी से लेके 6 महीने के बेबी के सिर में आसानी से आ जाएगा। फंदे बढ़ाकर आप इसे बड़े बच्चों के लिए या लेडीज के लिए भी बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलाई कर इसमें मैंने डबल बॉर्डर डाला है और ये डिजाइन मेरे चैनल में पहले से है। देखिए ऐसे ये घटके आया है और इसमें मैंने ये नीचे की तरफ मैंने इसमें क्रोशिया से बॉर्डर बनाया है। तो चलिए फ्रेंड देखें ये कैसे बनेगा। डबल बॉर्डर बनाने का मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बता रही हूँ। तो पहले आप क्या करिए कि दो कलर का ऊन लीजिए, एक जिससे बनाना है वो और एक कोई अपोजिट कलर का कोई दूसरा आप ऊन ले लीजिए। उसके बाद जिस सिलाई से जिस नंबर की सिलाई से आपको बुनाई करनी है उससे एक नंबर अधिक या दो नंबर अधिक आप सिलाई ले लीजिए, बड़ा सिलाई। उसके बाद ये जो दूसरे कलर का धागा है उसको दाहिने हाथ में लेंगे और ये जो मेन थ्रेड है उसको बाएं हाथ में लेंगे और जैसे आप नॉर्मली फंदा डालते हैं वैसे ही आप डालेंगे। ऐसे सिंपल फंदे जैसे डालते हैं ऐसे थोड़ा ढीला ढीला डालिएगा और इस दूसरे कलर के धागे को ज़्यादा कसना नहीं है। जितने आप फंदे आपको डालने हो उसका हाफ फंदा आप डालेंगे। मान लीजिए 50 फंदा आपको डालना हो तो आप 25 ही फंदे डालेंगे। तो मैं थोड़े से फंदे आपको डाल के बता रही हूँ। अब फंदे डालने के बाद सीधा बुनेंगे। पहला फंदा ऐसे सीधा बुन लीजिए और ये जो थ्रेड हमारी तरफ है इसको आप दूसरी तरफ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि खुलने में हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। फिर शेष फंदे हम सीधा बुन लेंगे। सीधा बुन लिया, रॉन्ग साइड से हम सभी फंदे उल्टा बुनेंगे। सामने से सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से हम उल्टा फंदा बुनेंगे। पहला फंदा भी हमें बुनना है, कोई भी फंदा हमें स्किप नहीं करना है, सभी फंदे हमें बुनने हैं। इसमें एज स्टिच को स्लिप नहीं करना है बल्कि सभी फंदों को बुनना है दोनों तरफ से। पहले फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे, शेष फंदों को भी हम उल्टा बुन लेंगे। दोनों तरफ से प्रत्येक फंदे को हमें बुनना है। तो ये हमने 6 लाइन कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसको खोलेंगे। तो देखिए कितना आसान है खोलना। देखिए यहाँ पे ये थ्रेड दिखाई दे रहा है तो इसको इसमें ऐसे सिलाई डालिए और इसको धीरे से खींच दीजिए। देखिए हमारा ये फंदा खुल गया। ऐसे ही हमको धीरे से ऐसे पकड़ के सभी फंदों को ऐसे सभी इन धागों को खुलते जाना है। सारे फंदे देखिए खुल गए। अब इसको हम एक किसी दूसरी सिलाई पे चढ़ा लेंगे। देखिए 8 फंदे थे और 4 और 4 8 फंदे इधर भी हो गए। अब इसको ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम एक तीसरा सिलाई लेंगे। तीसरी सिलाई अगर पॉइंटेड सिलाई हो जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं यानी गले वाली सिलाई तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम तीसरी सिलाई में एक फंदा इधर से ऐसे चाहे तो आप बुनते जाइए या फिर सभी फंदों को पहले उतार लीजिए, इससे बुनने में आसानी होती है। तो पहले हम तीसरी सिलाई पे एक फंदा पहली सिलाई से और एक फंदा दूसरी सिलाई से ऐसे उतारते जाएंगे। हम चाहें तो साथ साथ बुनते हुए डाल सकते हैं। तीसरी सिलाई में उतारने से फंदे गिरने का चांस कम हो जाता है। एक एक फंदा दोनों सिलाइयों से लेते जाएंगे और तीसरी सिलाई पे उतारते जाएंगे। तो देखिए ये हमारे सारे फंदे उतर गए। और नुकीले सिलाई से बुनने से ये फ़ायदा होता है कि आप इसको ऐसे सरकाइए
और जो भी आपको बॉर्डर बुनना हो वो आप बुन सकते हैं। डबल बॉर्डर बनाने के बाद मैंने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए थोड़ा सा बॉर्डर बनाया है। आप चाहें तो थोड़ा चौड़ा बॉर्डर भी बना सकते हैं। उसके बाद ये डिज़ाइन मैंने पहले ही अपलोड कर लिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। मैंने इसमें 78 फंदे डाले हैं। 78 फंदे डालने के लिए मैंने डबल बॉर्डर के लिए 39 फंदे डाले थे, जिसको खोलने के बाद ये 78 फंदे हुए हैं। 39 फंदों को डबल बॉर्डर बनाने के बाद 39 फंदे जो हैं वो 78 फंदे हो गए। उसके बाद मैंने तीन फंदा काले रंग से सीधा, फिर तीन फंदा सफ़ेद कलर से सीधा, तीन फंदा काले कलर से सीधा, तीन फंदा सफ़ेद कलर से सीधा बुनते हुए पहली लाइन कंप्लीट किया। और रॉन्ग साइड से जो फंदा सीधा था, जो फंदा काले रंग से सीधा था उसे काले रंग से उल्टा, और जो फंदा सफ़ेद कलर से सीधा था उसे सफ़ेद कलर से उल्टा बुनते हुए डिज़ाइन लाइन दो लाइन मैंने बुन लिया। तीसरी लाइन से ये डिज़ाइन स्टार्ट होता है, तो मैंने ये पहले ही डाल दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। तो देखिए, ये तीन फंदा हमारा पहला काला है, तो पहला फंदा हम काला बुनेंगे, फिर एक फंदा सफ़ेद, फिर एक फंदा काला। अब देखिए, ये तीन फंदे हैं, तो एक फंदा पहला फंदा सफ़ेद बुनेंगे, बीच वाला फंदा हम काला बुनेंगे और किनारे वाला फंदा सफ़ेद। फिर इन तीन फंदों में देखिए, दोनों किनारे वाले फंदे इसी कलर के ऊन से बने जाएंगे और बीच वाले का कलर बदल दिया जाएगा, यानी एक फंदा काला, फिर सफ़ेद, फिर काला। इस तरह एक फंदा काला, एक फंदा सफ़ेद, एक फंदा काला, एक सफ़ेद बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों कलर के ऊन से अल्टरनेट बुनते हुए मैंने लाइन कंप्लीट कर दिया है। रॉन्ग साइड में अब देखिए, ये पहला फंदा सफ़ेद है, तो तीन फंदे हम सफ़ेद कलर के ऊन से बुन लेंगे और इन अगले तीन फंदों को हम काले रंग के ऊन से बुनेंगे। अब इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। तीन फंदा सफ़ेद कलर के ऊन से उल्टा और तीन फंदा काले कलर के ऊन से उल्टा। इन्हीं दोनों लाइनों को दोहराते हुए हमने 6 इंच कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम डिज़ाइन डालना बंद कर देंगे और अब इन फंदों को हम घटाएंगे। तो अब क्या करेंगे, 7 फंदा हमने सीधा बुन लिया काले रंग के ऊन से। अब उसके बाद तीन फंदा एक साथ लेंगे, थोड़ा सा ऐसे पहले ढीला करेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर 9 फंदा सीधा बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक कर देंगे, थोड़ा सा पहले ऐसे ढीला करेंगे। तीन फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक कर देंगे। फिर हम 9 फंदा सीधा बुनेंगे, इसी तरह 9 फंदा सीधा बुनते हुए और फिर तीन का एक करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो अब की सफ़ेद कलर के ऊन से हम 6 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक करेंगे। अब फिर बीच में 7 फंदे रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर हम तीन फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे।
इसी तरह हम सात फंदा सीधा बुनेंगे, फिर तीन फंदों को एक करेंगे, फिर सात फंदा सीधा बुनेंगे, फिर तीन फंदों को एक करेंगे। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे, रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टा। अब फिर हम काले रंग के ऊन से पांच फंदा सीधा बुनेंगे, और फिर तीन का एक करेंगे। पहले थोड़ा सा ऐसे ढीला कर लेंगे, फिर तीन का एक करेंगे, फिर पांच फंदे सीधे, फिर हम तीन फंदों का एक करेंगे, थोड़ा सा पहले ढीला करेंगे और फिर तीन फंदों का एक। इसी तरह पांच पांच फंदे सीधा बुनते जाएंगे और तीन तीन फंदे एक करते चले जाएंगे। इसी तरह पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब सफेद कलर के ऊन से चार फंदा सीधा, फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीन का एक करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, फिर तीन फंदों को लेंगे और तीन का एक करेंगे। इसी तरह पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं। अब सफेद कलर के ऊन से दो दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। दो दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक, थोड़ा सा ढीला कर लेंगे और दो दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब इस धागे को काट लेंगे और सुई में इसे डाल लेंगे, और अब इन सभी फंदों के अंदर से इस सुई को निकालेंगे। इसे खींच लिया, सभी फंदों में से एक बार और हम सुई निकाल लेंगे और इसे हम ऐसे कस देंगे, तो देखिए ये एक सुंदर सा फूल की तरह बन जाएगा। अब हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। हम चाहें तो पूरी सिलाई कर लें यहाँ तक, और इस तो कैप तैयार हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये बेबी का है इसलिए उसे पहनने में तकलीफ होगी, इसलिए हम थोड़ी दूर तक ही सिलाई करेंगे। तो उल्टा करें और उसके बाद जैसे भी आपको सिलाई करने में आसानी हो आप कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने डिज़ाइन में लगभग 1.5 इंच तक सिलाई कर दी है और शेष हिस्सा इधर छोड़ दिया है, और अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर चाहे तो हम सिलाई से बना सकते हैं या फिर क्रोशिए से भी बना सकते हैं, तो मैं इसकी बॉर्डर क्रोशिए से बनाऊंगी। तो इसके क्रोशिए को इसके ऊपर रखेंगे, यूं घुमाएंगे और इसके बाद ऐसे एक बार और घुमाकर इसमें से एक लूप निकालेंगे। देखिए ये हमारा पहला, देखिए ये हमारे चेन बन रहे हैं। इस तरह हम कम से कम 25 से 30 चेन बनाएंगे। इस तरह हम 35-40 चेन बनाएंगे, या उतना चेन बना लीजिए जिससे कि इसमें हम बच्चे को पहना के गांठ लगा बांध सके। तो मैंने 40 चेन बना लिया है। अब हम इसको ऐसे सीधे की तरफ से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से हम ऐसे इसमें स्लिप स्टिच बनाना शुरू करेंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे आप निकालिए ऐसे फंदे और स्लिप स्टिच बनाते जाइए।
ये जितने सफेद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं इसी के, देखिए इतने ही आप इसमें स्लिप स्टिच बना लीजिए। फिर आप दूसरी साइड में घूम जाएंगे, एक सेंटर में, और फिर जितने यहाँ काले ये दिख रहे हैं फंदे, यहाँ पे एक एक स्लिप स्टिच आप बनाते जाइए। इसको ऐसे इधर दबा देंगे और ये लास्ट में भी एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब जितना चेन इधर बना है उतना ही चेन इधर भी बनेगा। मैंने 40 बनाया है तो मैं 40 बनाऊंगी। चेन हम ढीला ढीला ही बनाएंगे, बहुत टाइट नहीं बनाएंगे, वरना हमें आगे बुनने में तकलीफ होगी। तो ये मैंने 40 चेन बना लिया है। अब हम दो चेन और बनाएंगे, एक दो, फिर दो चेन को छोड़कर सब पर हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जो हमने 40 चेन बनाए हैं उन 40 चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रत्येक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना दिया है, और उसके बाद हम ऐसे इसको एक बड़ा सा लूप निकालेंगे और इसे काट देंगे और इसको हम ऐसे इसमें फंसा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा ये बेबी कैप तैयार हो गया। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप भी अपने बेबी के लिए ये कैप बनाइए और इसे लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।